चाचू आप आज डिनर टेबल पे नहीं है, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। इनफैक्ट मानवी की भी आज कमी काफी महसूस हो रही थी। चाचू आपके साथ जो कुछ भी हुआ आज कोर्ट पे, मुझे अफसोस होता है वो सोच के, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मानवी को आज सडन पैकअप किया ऋषिकेश के लिए, उसको आपकी हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। That's not fair, चाचू। मानवी को मेरी हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये तो गलत बात है। कोर्ट में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। पर चाचू आप ये केस अभी तक पूरी तरह हारे नहीं हो, आप अभी भी जीत सकते हो। आप लोगों को प्रूफ कर सकते हो या अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि आप एक अच्छे लॉयर हो। चाचू आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल जाइए, जस्ट गिव इट अ न्यू स्टार्ट, जस्ट गो फॉर इट। मानवी पीजी शुक्र है तू आ गई। अरे डब्बू कहाँ है? डब्बू मतलब पीछे मेरे साथ तो नहीं था? अरे बेटे हमने डब्बू को भेजा था स्टेशन पे तुम्हें लाने के लिए, मिला नहीं तुम्हें? नहीं बीजी, मैं तो बस सीधा ट्रेन से उतरी, रिक्शा पकड़ी और घर आ गई, मुझे नहीं मिला डब्बू। बेटा हर बात पे इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? क्या हुआ, खाना नहीं खाना? वीरेन जी भूख नहीं लगी और तबीयत भी कुछ खराब है। डियर चाचू, मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ, पर आप अपनी लड़ाई मिडिल में मत छोड़ना। लाइफ में धक्के सभी खाते हैं, धक्कों से गिरते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन वक्त के साथ घाव भर जाते हैं और हमें फिर उठकर फिर लड़ना चाहिए। क्योंकि आप एक बार नाकाम हुए इसका मतलब ये नहीं कि हर बार नाकाम होंगे, और नाकाम तो होता है जो कभी कोशिश भी ना करे। आप तो जी जान लगा के कोशिश करते रहे हैं, और कोशिश के आगे तो फाइनली जीत को भी झक मार के हार माननी ही पड़ती है ना। इसलिए कीप ट्राइंग चाचू। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि मेरी वजह से घर में बखेड़ा खड़ा हुआ है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब बस मुझे इंतजार है आपकी अगली कोशिश और आपकी पहली जीत की खबर सुनने का। जब आप केस जीत जाएंगे ना तो मुझे मत भूल जाना, कम से कम 10 किलो मिठाई तो बनती है। हाँ, आपके पार्सल का वेट करूंगी मैं। विद लव, मानवी।